अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद रमजान, स्टेनोग्राफर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद शॉर्ट हैंड। आज हम डॉन न्यूज़ की डिक्टेशन डिक्टेट करने जा रहे हैं। मैं आपको ये डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेट करवाऊंगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रेडी स्टार्ट। ऑन वेनसडे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर इसहाक डार इंट्रोड्यूस्ड द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 बेटर नोन एज द मिनी बजट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फुल स्टॉप। द मिनी बजट वॉज एक्सपेक्टेड एज द गवर्नमेंट स्क्रैम्बल्स टू अनलॉक द IMF लोन ट्रेंच फुल स्टॉप। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू शोर अप इट्स रेवेन्यूज इन एडवर्टेंटली लेवियंग दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द कंट्रीज पॉपुलेशन विच इज ऑलरेडी सीइंग इट्स इनकम एंड सेविंग्स इरोड ड्यू टू इन्फ्लेशन फुल स्टॉप। द सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पास्ड यस्टरडे विल अटेम्प्ट टू जनरेट रुपीज 170 बिलियन इन एडिशनल टैक्सेस, ए मेजर चंक ऑफ विच वुड बी थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस फुल स्टॉप। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल जनरेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू वुड बी थ्रू एन इंक्रीज इन द जनरल सेल्स टैक्स फ्रॉम 17% टू 18% फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर द गवर्नमेंट कलेक्टेड रुपीज 2.5 ट्रिलियन इन GST इंप्लाइंग रफली ए टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ रुपीज 14.8 ट्रिलियन फुल स्टॉप। कंसिडरिंग हाउ इन्फ्लेशन इज रेवेजिंग डोमेस्टिक इनकम्स अक्रॉस द बोर्ड इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड पोटेंशियली एक्सीड रुपीज 18.5 ट्रिलियन फुल स्टॉप। A mix of inflation-driven increase as well as increase in the GST rate by 1% can potentially generate more than rupees 40 billion in incremental taxes for the government full stop. Indirect tax on consumption is the most distortionary kind of tax punishing the most vulnerable segments of society full stop. The inability of successive governments to increase direct taxes and expand the taxation net has led to recurring deficits, eventually leading to higher inflation full stop. If indirect taxes were not enough, inflation also remains the worst form of taxation, all because a government refuses to tax the income and wealth of those right at the top of the food chain full stop. The increase in indirect taxes, whether through increase in GST or through increase in federal excise duty, will be inflation in nature full stop. This will increase inflation further, pushing the country closer to a regime and the government full stop.